जी, हम पहुंच चुके हैं अरमानी के पास और आज से हमारी क्वेस्ट शुरू है कि किस तरह शेप अप होना है, और इस सारे प्रोसेस में आप मेरे साथ होंगे और देखते हैं कि वो किस तरह और कितने अरसे में मुझे रिड्यूस करते हैं और फिट बनाते हैं। आइए चलते हैं। हाँ जी, हम हैं अरमानी के पास, जो कि इस्लामाबाद के चंद बेहतरीन फिटनेस एक्सपर्ट में से हैं, और उनसे हालात जानते हैं कि हालात कितने बुरे हैं या कितने अच्छे हैं। जी देखें साहब, जैसा कि मैंने आपकी मेजरमेंट्स ली हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है आपकी, और उसके मुताबिक आपकी जो नॉर्मल चेस्ट का राउंड आता है वो 39.5। और मैंने आपसे कहा था कि आप थोड़ा सा डीप इनहेल करें और अपना जितना सांस को छीने को बुला सकते हैं अपने, आपकी जो एक्सटेंशन थी वो 40.5 थी, और एक इंच की एक्सटेंशन आई है जो कि मिनिमम होनी चाहिए 2 इंचेस। तो हमारा टारगेट है जो आज मैं बोर्ड साइन करूँ कि आपकी मसल की और लंग्स की एक्सटेंशन और कॉन्ट्रेक्शन कितनी होनी चाहिए कि वो 2 इंचेस के लिए गैप क्रिएट कर सके। तो सबसे पहले हम अपनी काम करेंगे अपनी कार्डियो फिटनेस के लिए, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि आपकी नॉर्मल चेस्ट 39.5 है और वेस्ट पर राउंड भी 39.5 है। मेल्स के लिए इट शुड बी 10 इंचेस, अगर आपकी चेस्ट आपकी वेस्ट से 10 इंच बड़ी होनी चाहिए, तो जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों इक्वल है। तो मैं गोल ये साइन कर रहा हूँ कि 5 इंच की आपने वेस्ट रिडक्शन करनी है, ये आपका मैं गोल में डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और 5 इंच ही आपने चेस्ट के मसल गेन करना है, चेस्ट को डेवलप करना है, 5 इंच का मसल गेन किया। आपका जो बाइसेप्स का राउंड गेन किया वो आ रहा 12.5, ट्राप्स का राउंड 15.5, नेक का राउंड 15.2। तो इन तीनों को मेल्स के लिए सेम होना चाहिए, जितनी आपकी नेक की मेजरमेंट है उतनी आपके बॉडी के राउंड होना चाहिए, उतना ही आपका टॉप। तो दो जो डिटेक्टॉरी में पैसे को ग्रो करवाने आपसे ग्रो करना है, आपके आप की बाकी बॉडी का साथ नहीं दे पाए, हम उसको सिमेटिक इशू देगा, हमने भी बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी, बहुत मसल नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने बेसिक जो क्राइटेरिया उसको यूज करना है। और वेट बेसिक आपकी फैट परसेंटेज में तक की वो 34.8% आ रही है, जो कि बहुत ज़्यादा स्कूल है, तो उसको मेल्स की 50% होना चाहिए। एक्चुअली हम 40 मिनट्स करेंगे, फिर आते से ड्यूरेशन बढ़ती है, मैक्सिमम मन आ जाएगी, ठीक है। और इसमें इसी जैसा कि वन डे आपका रेस्ट होगा, और हम वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ करेंगे, उसमें कार्डियो भी होगा, उसमें वेट ट्रेनिंग भी होगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज भी होगी, उसमें आउटडोर गेम भी होंगे, ठीक है। और ये आप शुरू कर रहे हैं 14 से हमारा 14 से ये एक्सरसाइज शुरू है, और इंशाल्लाह 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप देखेंगे क्या फ़र्क। हमारा गोल है 3 इंच वेस्ट रिड्यूस करना और 5 kg का ओवरऑल बॉडी वेट।